हाय स्टूडेंट्स, ये वीडियो कल हम लोगों ने जैसे कि कंटिन्यू किया था। हम लोग लाइट स्टडी कर रहे थे साइंस में, तो हमने कल पढ़ा था मिरर के बारे में। मिरर क्या होता है, कैसे होता है और मिरर रिफ्लेक्शन करता है तो रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, किस बेसिस पर रिफ्लेक्शन काम करता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मिरर में कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ हो तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। कई बार आपने देखा होगा कि आप लोग प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो आप देखते हैं कि मिरर के अंदर इमेज होती है, राइट। कई बार आप देखते हैं कि मिरर की इमेज मिरर के अंदर नहीं होती, कहीं और फॉर्म हो रही होती है। तो ये सब चीजें हमें मिरर में कौन सी इमेज या कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इस चीज को स्टडी करने से पता चलता है। और इस चीज को हम बोलते हैं रे डायग्राम। समझ में आया? तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि मिरर में कौन सी चीज पॉजिटिव है, कौन सी चीज नेगेटिव है, मिरर का फोकस कहाँ पर है, मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है। तो ये चीज हम अंडरस्टूड करेंगे पहले। तो सबसे पहले तो हम अंडरस्टूड करेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में, राइट। चलिए देखते हैं। सपोज ये मिरर है, कैसा मिरर है आपका, कनकेव ले लेते हैं, दिस इज अ कनकेव मिरर। अगला केस है कन्वेक्स मिरर, यहां पर ले लेते हैं, ये मेरे पास एक कन्वेक्स मिरर है। पिछले वीडियो में जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि ये कनकेव और कन्वेक्स एक ही स्फीयर के पार्ट हो सकते हैं। देखिए, मैंने इसको यहां से ऐसे कट किया और इसको कट करके मैंने यहां पर रखा। अगर मैं इसे पीछे से पॉलिश करूंगा तो कनकेव फॉर्म होगा, और अगर मैं इसकी पॉलिश कहां से करूं, आगे से करूंगा, तो ये चीज फॉर्म हो रही होगी कन्वेक्स। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि कैसे ये दोनों बन रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जिस स्फीयर का ये टुकड़ा है, जिस भी स्फीयर का ये टुकड़ा है, उस स्फीयर को अगर हम कंप्लीट करें और उस केस में उसका जो सेंटर होगा वो कहलाता है आपका सी, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब कर्व। इस सेंटर के कारण जो ये कर्व बना हुआ है, दिस पार्ट, दिस इज नोन एज कर्व। और ये जो उस कर्व का जो सेंटर है, जिस स्फीयर से वो लिया गया है, उस स्फीयर का ये जो कर्व है, उस सेंटर को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, विच इज डिनोटेड बाई सी। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां पर इस मिड पॉइंट को टच करता है, उस मिड पॉइंट को बोलते हैं हम पी, यानी कि पोल। समझ में आया? आपको पता चल रहा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर हम उस डिस्टेंस को बीच से कट कर दें तो हमें पॉइंट मिल जाता है एफ। एफ का मतलब फोकस। आप समझ रहे हैं? अब अगर मैं इस सर्कल को गायब कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा वो ग्लास का पार्ट मिलेगा या कर्व लेंस मिलेगा, कर्व मिरर मिल जाएगा अगर हम इसको पॉलिश कर दें। अब हम चाहे इसे पीछे से पॉलिश करें, चाहे तो हम इसको आगे से पॉलिश करें, दोनों केस में ये हमारा या तो कनकेव बनेगा या फिर कन्वेक्स बनेगा। लेकिन उसका फोकस, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसका पोल, ये सब के सब अपनी पोजीशन पर ही बने रहेंगे। तो अब आप लोग अंडरस्टूड कर रहे होंगे कि आपको पोल कहां से मिलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां से मिलता है, फोकस कहां से मिलता है। अब समझते हैं एक और चीज, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है, रेडियस के बराबर होती है। तो इसलिए इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, या कर्वेचर रेडियस बोल सकते हैं हम इसको। समझ में आ गया आपको? कर्वेचर रेडियस भी बोलते हैं। अब क्योंकि रेडियस एक तरीके की डिस्टेंस है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ कर्वेचर रेडियस। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ कर्वेचर रेडियस होती है उसको हम डिनोट करते हैं सी से, राइट।
और जो आपकी फोकस डिस्टेंस होती है, क्योंकि वो पी और सी, पी इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट राइट, तो पी और सी के बीच पर जो आपकी डिस्टेंस है वो है फोकस। इसका मतलब साफ है कि जितनी डिस्टेंस इसकी है सेंटीमीटर में या मीटर में व्हाटएवर, उसका ठीक 1/2 होता है आपका फोकस। समझ में आ रहा होगा आपको कि जितनी भी कर्वेचर रेडियस होगी फोकस उसकी एग्जैक्ट हाफ डिस्टेंस है। क्लियर है ये बात? यानी फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ द होल एंड कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। अब हम लोग समझेंगे साइन कन्वेंशन क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, क्योंकि यहां पर जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे, जब आप न्यूमेरिकल पोर्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको कभी पॉजिटिव साइन यूज करना होगा, कभी नेगेटिव साइन यूज करना होगा, और वो यूज करना जरूरी भी है क्योंकि वही मिरर कभी अपसाइड इमेज बनाएगा तो कभी डाउनसाइड इमेज बनाएगा, कभी बिहाइंड द मिरर बनाएगा और कभी फ्रंट ऑफ द मिरर बनाएगा। तो जो भी चीजें फ्रंट होंगी उनका साइन क्या होना चाहिए, जो पीछे होंगी उनका साइन क्या होना चाहिए, और यहां पर साइन का मतलब सिर्फ उसकी पोजीशन से होगा। तो जब हम अभी इसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे रे डायग्राम्स को, तो वहां पर हमें नेचर ऑफ इमेज में बताना होगा कि इमेज डाउनवर्ड बनी है या अपवर्ड बनी है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले अंडरस्टूड करेंगे, अभी हम साइन कन्वेंशन पर चल रहे हैं पर उससे पहले हमें कुछ चीजें अंडरस्टूड करनी है। तो आपने 9th में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर कार्टेशियन प्लेन, याद होगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको जो आप लोग बनाते थे, ये वाला आपका x एक्सिस होता था, ये वाला आपका y एक्सिस होता है, ये आपका x डैश था और ये आपका y डैश होता है। बिल्कुल इसी के बेस पर हमें साइन कन्वेंशन भी अंडरस्टूड करना है। तो सबसे पहले इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम साइन कन्वेंशन की तरफ चलेंगे। देखिए इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट राइट, हमारे मिरर के केस में यही पॉइंट कहलाएगा P, जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो कहलाएगा P। तो हमारा जो मिरर का P है वो यहां पर आना चाहिए, चाहे मिरर आपका कन्वेक्स हो चाहे मिरर आपका कंकेव हो, उसका जो P है वो बिल्कुल यहीं से होकर गुजरना चाहिए। ये बात अंडरस्टूड हो रही? गुड। अभी देखते हैं, हमें अच्छे से पता है कि इस साइन कन्वेंशन में X और Y इन दोनों की जो वैल्यूज होती है, X की वैल्यू ये क्या होती है पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है पॉजिटिव होती है राइट। अगला केस इस वाले क्वाड्रेंट में x की जो वैल्यू इस ओरिजिन पॉइंट से इधर जो भी चीजें आएंगी वो क्या होगी, किसमें x एक्सिस में जो भी चीज इधर आएगी वो होगी नेगेटिव। तो जरा इस चीज को अंडरस्टूड करके देखते हैं, और y एक्सिस में तो अपवर्ड ही जा रही है तो पॉजिटिव होगी, तो इसमें x और y की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट। अगला इस वाले में देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, यहां पर y में नीचे की तरफ जा रहा है और x में पीछे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि यहां पर जो x और y की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव एंड नेगेटिव। अगला केस इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में, x में तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है चीजें लेकिन y में डाउनवर्ड जा रही है यानी नेगेटिव डायरेक्शन है, यहां पर x और जो y की वैल्यूज होगी वो होगी आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बात आपको समझ में आ रही? सेम यही साइन कन्वेंशन आपका मिरर के लिए काम करेगा। चलिए आते हैं मिरर में हम लोग। अब यहां पर भी कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इसके लिए है वही इसके लिए, कुछ भी चेंज नहीं है। तो मैं एक में बता रहा हूं, दूसरे में हम लोग फिर से कर लेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस के लिए हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस के लिए हो गया। देखते हैं अगर हमारी इमेज मिरर के पीछे बने, मिरर के पीछे जैसे आप प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो वो मिरर के अंदर बनता है, बाहर नहीं बनता राइट, उसे कहते हैं मिरर के पीछे। एक ऐसी इमेज जिसको आप टच ना कर सके, मिरर के पीछे है जो मिरर के अंदर ही दिखाई दे, समझ में आता है? तो मिरर के पीछे, तो अगर आपकी इमेज मिरर के पीछे बन रही है तो इसका मतलब, हम इमेज की बात कर रहे हैं, इमेज मिरर के पीछे बन रही है अगर तो वो इमेज कैसी होगी, नेगेटिव होगी। दिस इज नेगेटिव इमेज। तो यानी कि जितनी भी इमेज आपकी मिरर के पीछे यानी यहां पर या फिर यहां पर कोई भी इमेज, ये है I1, I2, I3, कोई भी इमेज हो वो, सॉरी ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहां पे पॉजिटिव इमेज, सॉरी इधर साइड है तो पॉजिटिव इमेज, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है यहां पे, इसलिए यहां भी पॉजिटिव होगी इमेज।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज की डिस्टेंस है, पोल से ही सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो पोल से जो इमेज की डिस्टेंस है वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो इस केस में जो आपका आई होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, यानी इमेज डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। तो जब आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा तो वहां पर आपकी इमेज डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिखी होगी, आप पॉजिटिव साइन खुद ही यूज करेंगे अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मूला। नेक्स्ट, अगर यही इमेज आपकी यहां फॉर्म हो रही होती लाइक दिस, तो ये इस केस में जो आपका x होता है वो हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। सी x आपका क्या है? नेगेटिव है। और ये नेगेटिव वाला जो x है आपका वो इधर आ गया, तो यानी जो इमेज डिस्टेंस है i वो यहां पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर आपको 10 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस दी हुई है तो आप नेगेटिव का साइन खुद से लगा लेंगे न्यूमेरिकल में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसने बोला है कि वो इस डायरेक्शन में या इस साइड पर है। अब जो ये साइड होती है मिरर की उसको बोलते हैं हम फ्रंट ऑफ मिरर, और अगर मिरर के अंदर कोई चीज बनती है तो उसको बोलते हैं बिहाइंड मिरर। दोनों केस में सेम चीज चलेगा। अगला ये सेकेंड क्वाड्रेंट का केस है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, इमेज डिस्टेंस जो चल रही है पोल से या तो इधर की तरफ जाएगी इमेज डिस्टेंस या फिर इधर की तरफ जाएगी। दैट मींस हम लोग किस एक्सिस में मूव कर रहे हैं? एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, इसीलिए हम एक्स का पॉजिटिव और नेगेटिव देख रहे हैं। अब बात करेंगे हम इमेज के हाइट की, खैर फिलहाल वाई एक्सिस की बात कर लेते हैं। तो जब भी इमेज की बात करते हैं तो हम लेफ्ट या राइट मूव करेंगे। तो जब हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे होंगे तो हमारा पॉजिटिव साइन आएगा, जब हम राइट साइड मूव कर रहे होंगे तो हमारा नेगेटिव साइन आएगा। अब बात करेंगे हम ऑब्जेक्ट, इधर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके। अब जो ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा पॉजिटिव, लेकिन सेम साइन कन्वेंशन क्योंकि आपके लेंस के लिए भी काम करता है, तो हम बिहाइंड द मिरर या बिहाइंड द लेंस की स्टडी कर रहे हैं। पर हमें तो पता है कि बिहाइंड वाले केस में क्या है? पॉलिश है। तो पॉलिश के पीछे अगर कोई चीज रखते हैं, हम मिरर के पीछे जाकर खड़े हो जाए तो हमारी कोई इमेज नहीं बनेगी। तो सेम केस यहाँ भी, ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पीछे रहेगा तो कोई इमेज फॉर्म नहीं होनी है, पर हम स्टडी कर रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मिरर के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोल से जो डिस्टेंस होगी, यानी कि ये डिस्टेंस, वो पॉजिटिव होगी, और अगर मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी ये डिस्टेंस नेगेटिव कहलाएगी। तो मिरर फॉर्मूले में चाहे जो भी लिखा हो ये डिस्टेंस आप इसी अकॉर्डिंग अंडरस्टूड करेंगे। अब अगली चीज आती है डाउनवर्ड फ्लो, जो भी अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी कि अभी हम लेफ्ट और राइट मूवमेंट की बात कर रहे थे तो हम एक्स एक्सिस के लिए बात कर रहे थे, अब हम अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट यानी कि अप एंड डाउन मूवमेंट की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे वाई एक्सिस की। देखते हैं वाई एक्सिस में क्या चलता है। वाई एक्सिस में चलता है इमेज की हाइट, ये इमेज है, इसकी ये जो डिस्टेंस है यह कहलाएगी एच टैस। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट ओ, तो ऑब्जेक्ट ओ की जो हाइट है वो कहलाएगी एच, और अगर ये मेरी इमेज है, इसी ऑब्जेक्ट ओ की इस वाली चीज की जो इमेज बनी है वो ये रही इमेज, और ये इमेज वाई एक्सिस में अपवर्ड जा रही है। देखो अगर सीधी खड़ी है वो चीज तो वाई एक्सिस में अपवर्ड मानी जाएगी, और अगर यही इमेज उल्टी खड़ी हुई होती तो डाउनवर्ड मानी जाती, इसको बोलेंगे अपवर्ड, इसको बोलेंगे डाउनवर्ड, राइट। अगर ये डिस्टेंस की बात करें तो ये कहलाएगी इमेज हाइट, इमेज हाइट, और अगर हम इसकी बात करें तो ये भी क्या है? इमेज हाइट, लेकिन ये हाइट अपवर्ड है, इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज, खड़ी इमेज, और इसको बोलेंगे हम डाउनवर्ड इमेज।
पड़ी इमेज या नीचे की तरफ मुड़ी हुई इमेज, उल्टा इमेज, क्लियर है? अब जरा देखें, तो ये जो हाइट है इसको हम डिनोट करते हैं h डैश, h डैश इमेज हाइट को हम डिनोट करेंगे h डैश से, और ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट को डिनोट करेंगे h से, रिमेंबर दैट h ऑब्जेक्ट हाइट, h डैश इमेज हाइट। तो अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो वो h क्या होगा उसका, पॉजिटिव होगा, और अगर वही ऑब्जेक्ट की इमेज उल्टी बनी हुई है या कोई भी चीज उल्टी है तो वो होगी नेगेटिव। समझ में आ गया, नेगेटिव। तो अगर कोई इमेज उल्टी बनती है या कोई ऑब्जेक्ट उल्टा है तो वो नेगेटिव साइन लेकर आएगा, और अगर वही चीज की इमेज सीधा बनी हुई है या ऑब्जेक्ट सीधा है तो वो पॉजिटिव इमेज के साइन आएगा। तो अभी आप लोग साइन कन्वेंशन के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं, राइट? अब इसके साथ ही जब कोई न्यूमेरिकल आएगा या जब हम लोग रे डायग्राम स्टडी करेंगे तो उस समय रे डायग्राम अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि सारा कुछ बहुत अच्छे से कवर हो जाए। तो इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर यानी रे डायग्राम हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं, और उसमें मैं आपको साथ साथ बताऊंगा पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। नेचर में हम लोग क्या चीज कवर करेंगे, टाइप ऑफ इमेज, साइज ऑफ, बेसिकली ये चीज है, तो ये चीज हम लोग अगले वीडियो में स्टडी करते हैं, राइट? ओके स्टूडेंट, तो हम लोग अगली क्लास में मिरर के रे डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कन्केव और कन्वेक्स मिरर के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, उसकी इमेज कहां फॉर्म होगी और उस इमेज का नेचर क्या होगा, राइट? तो मेरी आप लोग से यही राय है कि आप लोग वीडियो कंटिन्यू करिए, हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा। अभी हम लोग लाइट लेसन पढ़ रहे हैं तो आप लोग घर बैठकर अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टूड कर सकते हैं, राइट? थैंक यू सो मच।